year students today's topic is polynomial. To discuss the definition of polynomial, we first know about the algebraic expression. Now if we take real numbers and a variable say x and basic operations, the addition, subtraction, multiplication and division. This forms a system. इस सिस्टम में हमारे पास रियल नंबर्स हैं, वेरिएबल, बेसिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. एनी एक्सप्रेशन कम्स आउट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स, रियल नंबर्स, वेरिएबल अलोंग विद दीज बेसिक ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल वी टेक एन एक्सप्रेशन. So we take a real number, say 5, taking binary operation, multiplication, then variable x, again multiplication, x, from basic operation, subtraction, 1/2, multiple x, we get here, that is 5 times x into x, becomes x square minus 1/2x. ये आपके पास एक algebraic expression आ गया. इसी तरह हम दूसरा लेंगे यहाँ पे. Take real number say √2, multiplication x, we will get under root of 2x raised power 3. We take another algebraic expression, say 15, that can be written as 3 into 5. 3 into 5 is same as 15, it is also an algebraic expression. Now take another algebraic expression, see, let us take 3 as a real number, division x minus 3 into x not equal to 0. हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 3/x माइनस 3x और 3 into x रेज पावर माइनस 1 माइनस 3x एज 1/x इज इक्वल टू x रेज पावर माइनस 1. ये हम जानते हैं कि अगर हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ x, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू x रेज पावर माइनस 1. Now take another algebraic expression, say 5/3 divide x raised power 3 plus 4. We can write this as 5/3 into x raised power minus 3 plus 4, because we have here division. It becomes here 5/3 into 1/x raised power 3. But 1/x^3 becomes x^-3. ये आपके पास algebraic expression है. ये भी हमारे पास algebraic expression. Now see these two system of algebraic expressions. What is the difference between these algebraic expressions and these algebraic expressions? We see here. Really here we have this variable x. यहाँ पे भी वेरिएबल हमारे पास x है एंड दिस 5 1/2, ये सब हमारे पास रियल नंबर्स हैं. अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का, दैट इज 2, इज पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट हमारे पास 1 है, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव रियल नंबर. यहाँ पे देख लीजिए एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोनेंट है, दैट इज एक्स रेज पावर 0. 0 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. इसमें अगर हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देख लेंगे,
हर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज हियर नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर यहाँ पे देख लेंगे इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देख लेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज माइनस वन, यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज माइनस थ्री, बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स। ये डिफरेंस है, यहाँ पे हर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर हमारे पास है नॉन नेगेटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ पे इन वाले में हमारे पास एक्स का कंपोनेंट है नेगेटिव इंटीजर। ये डिफरेंस है, ये सारी के सारी यहाँ इस सिस्टम में और इस सिस्टम में, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट डिफरेंस इज एक्सपोनेंट ऑफ दीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड एक्सपोनेंट ऑफ दीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नेगेटिव इंटीजर। जो जो एक्सप्रेशन आपको यहां से इस वाले सिस्टम से मिलेगा जिनका एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, दे आर ऑल पॉलिनोमियल्स। मीन्स जो जो एक्सप्रेशन इस कम्बिनेशन से आपको मिलेगा, जिन एक्सप्रेशंस में वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव आएगा, दे आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। उसके लिए क्या करेंगे हम, इसी सिस्टम को हम थोड़ा थोड़ा बहुत इस सिस्टम पे हम थोड़ा बहुत कंडीशन डाल देंगे। वी टेक रियल नंबर्स वेरिएबल एंड बेसिक ऑपरेशंस हम डाल देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये तीन ऑपरेशन डिवीजन हम निकाल लेंगे। इस सिस्टम और इस सिस्टम में फर्क इतना ही है, इस सिस्टम में रियल नंबर्स वेरिएबल एंड बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इसमें चार ऑपरेशन थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, रेस्ट्रिक्ट किया इस वाले सिस्टम में, डिवीजन निकाल दिया। अब जो भी एक्सप्रेशन हम इस वाले सिस्टम से लेंगे, जो एक्सप्रेशन कम्स आउट फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम दिस सिस्टम, they are always called polynomials. For example, we take real number root 2 into x minus 1 by 2 into x plus 3 by 4 into x, that can be written as root 2 x minus 1 by 2 x plus 3 by 4 x square. Yeh aapke paas it becomes a polynomial. हमारे पास यहाँ लेंगे हम 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इट बिकम्स 5 टाइम्स एक्स रेज पावर 3। सी हियर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका भी एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव, इसका भी एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव है। जो भी एक्सप्रेशन आप इस सिस्टम से लेंगे, दैट इज कमिंग एनी एक्सप्रेशन कम्स आउट फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स, जिसमें हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, वेरिएबल होगा एंड बेसिक ऑपरेशंस से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट ए पॉलीनोमियल। जिस तरह हम चाहे उस तरह हम इस वाले सिस्टम से एक एक्सप्रेशन ले लेंगे, that expression becomes algebraic expression, but that is that particular algebraic expression is called a polynomial. Still, we will give an example in our surroundings. If we have a square shaped figure whose length of side is x, अब जाके दूसरा साइड भी x होगा, तीसरा भी और फोर्थ वन भी x होगा, and we know perimeter of
square is 4 times length of side, that is x, that is equal to 4 times x. Area of a square is side, length of side into length of side, that is x into x, that is equal to x square. हमारे पास अगर हम सराउंडिंग्स में देखेंगे कोई भी स्क्वायर आप ले लीजिए जिसके साइड की लेंथ हम लेंगे x, you will get perimeter 4x, you will get the area of square. Both these are algebraic expressions, but here exponent of this x is non-negative integer. यहाँ पे भी इसका इस वाले x में भी इस वाले variable में भी जो exponent है non-negative integer. Both are polynomials. ये हमारे पास सराउंडिंग उसमें एग्जांपल मिल सकती है पॉलीनोमियल. अब कंक्लूजन में क्या होगा डेफिनेशन ऑफ ए पॉलीनोमियल? डेफिनेशन ऑफ पॉलीनोमियल हमें मिलेगा सिंपली एनी कलेक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कम्स आउट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स. That is, any algebraic expression taken from the system of real numbers, variable x along with basic operations plus minus multiplication is called a polynomial. इसको हम बोल सकते हैं polynomial. Conclusion में क्या आ गया? Simply by taking any algebraic expression comes out from the system of this, you will get a polynomial. Polynomials are generally denoted by by p of x, q of x, etc. Your px it is a polynomial, qx it is a polynomial. It comes out from the system of this, जिसमें हमारे पास real numbers होंगे and variable and basic operations plus minus and multiplication. We will get a polynomial, but this particular polynomial, it is polynomial in one variable. If we take more than one variable here in this system, for example, we take two variables, say x, y, we get a polynomial of two variables that can be represented as p of x, y. If we take three variables in this system, we will get a polynomial in three variables that is represented by p of x, y, z. ये हमारे पास पॉलीनोमियल का डेफिनेशन है. सिंपली एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कम्स आउट फ्रॉम दिस सिस्टम इज कॉल्ड ए पॉलीनोमियल. नाउ वी गिव द जनरल अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलीनोमियल. General algebraic representation of a polynomial. Given an expression of the form an x to the power n plus
an minus 1 x to the power n minus 1 plus 1 up to plus a1 x plus a0. This is the general algebraic representation of polynomial Tx. अब यहाँ पे हमारे पास जो है an है, an minus 1, a1 and a0, all these are real numbers and x is the variable and n is non-negative integer. This is the general algebraic representation.